और इस बीच बड़ी खबर, बिहार सिवान सीट से, सिवान सीट से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए आगे निकलती हुई नजर आ रही हैं। विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जेडीयू ने यहां से उम्मीदवार बनाया था और अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के उम्मीदवार, लेकिन निर्दलीय के तौर पर हिना शहाब सिवान सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। अभी तक एक बार भी लोकसभा चुनाव हिना शहाब जीती नहीं है और इस बीच लगातार बजर बज रहा है। क्या है आंकड़ा? गोवा में साउथ गोवा सीट से कांग्रेस आगे चल रही है इस वक्त। साउथ गोवा सीट पिछली बार भी कांग्रेस ने जीती थी, एक बार फिर से साउथ गोवा सीट पर कांग्रेस की बढ़त है। नॉर्थ गोवा सीट पर जो श्रीपद यसो नायक है बीजेपी के उम्मीदवार, वो लगातार जीत हासिल करते रहे हैं और एक बार फिर से नॉर्थ गोवा सीट पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जौनपुर से समाजवादी पार्टी आगे है। बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बीएसपी से समाजवादी पार्टी में आए और वो बढ़त बनाए हुए हैं। कृपा शंकर सिंह जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, जौनपुर की सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह पिछड़ते हुए बाबू सिंह कुशवाहा बढ़त बनाते हुए। आपको बता दें आंकड़ा देखिए किस तरीके से बदल रहा है। एनडीए 263 पर पहुंच गया है, इंडिया गठबंधन 180 पर है। ये तस्वीर बदल सकती है, अभी दिलचस्पी लगातार बनी हुई है क्योंकि ये शुरुआती रुझान है। और फासला देखिए जो कुछ देर पहले तक दुगने पर था वो अब कुछ सिमटता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए 263 पर जरूर है लेकिन इंडिया गठबंधन भी 180 पर पहुंच रहा है। कहां जाकर रुकेगा, कहां जाकर थमेगा? अभी करीब 100 सीटें और जिनकी तस्वीर सामने आना बाकी। और फिर से दोहरा दूं, ये शुरुआती रुझान है उत्तर प्रदेश का जौनपुर, वहां पर भी समाजवादी पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। बाबू सिंह कुशवाहा बढ़त बनाए हुए हैं, समाजवादी पार्टी घोसी से आगे नजर आ रही है। अरविंद राजभर जो एनडीए के उम्मीदवार हैं घोसी से, वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये बजर बजा है। गुजरात से बड़ी खबर आ रही है, आनंद सीट से कांग्रेस आगे चल रही है। अमित छाबड़ा हमारे जी, रुमाना जी, इस सीट पर जो गुजरात के भीतर राजपूत वोटर के नाराजगी की बात थी उसका असर है, मितेश पटेल की सीट है। गुजरात में राजपूत वोटर की नाराजगी, बीजेपी को भारी पड़ रही है क्या? ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आनंद सीट पर कांग्रेस गुजरात में बढ़त बनाए हुए, बनासकांठा साबरकांठा में कांग्रेस गुजरात में बढ़त बनाए हुए है। क्या अपडेट है? बारामुला से सजाद गनी लोन आगे चल रहे हैं, उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे थे। बारामुला सीट, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जो यहाँ से उम्मीदवार है, उमर अब्दुल्ला पिछड़ रहे हैं। सज्जाद गनी लोन जिनको एक तरीके से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार माना गया, सज्जाद गनी लोन बारामूला सीट पर बढ़त बनाए हुए। आरा से आरके सिंह आगे हैं, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा आगे हैं, सारण से रोहिणी आचार्य पीछे चल रही हैं और मीसा भारती पाटलिपुत्रा से आगे चल रही हैं। वैशाली से राजद के बाहुबली मुन्ना शुक्ला आगे चल रहे हैं। वीणा देवी कुछ देर पहले आगे थी, अब आप कह रहे हैं मुन्ना शुक्ला आगे हो गए? अभी मुन्ना शुक्ला आगे हो गए। ABP News, आपको रखे आगे।